अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग में रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं फ्री हुई हूँ। मैंने डिनर बनाया है और गर्मी ने मेरा बुरा हाल कर दिया। अभी मैं शावर लेके आई हूँ, ड्रेस चेंज किया है थोड़ी बहुत, मैंने कहा है जरा अपने हुलिया की तरफ भी तवज्जो दे दी जाए। तो बस अभी मैं थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगाने लगी थी, चले मैंने कहा आपसे भी गपशप कर लेते हैं और आज के व्लॉग्स की हाइलाइट्स देते हैं, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है ना वो दो दिन में मैंने बनाया है, यानी आज का दिन और कल इंशाल्लाह। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये रोज़ वाटर यूज़ करूँगी। रोज़ वाटर के बगैर तो गर्मियाँ गुजारना बहुत मुश्किल है और मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी जो स्किन ने ना ऑयल की फैक्ट्री लगा के रखी हुई है। और इंशाल्लाह मैं बस सोच रही हूँ कि मैं अपने ऑयल का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ और ऑयल को एक्सपोर्ट किया करूँगी। कैसा आइडिया है? सब यहाँ पे ये मैं क्रीम यूज़ करने लगी हूँ और इसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी और थोड़ा सा आईज में आई पेंसिल लगाऊंगी। यहाँ पे ये दो लिप ग्लॉस की शेड निकाली है मैंने और इन दोनों को मिक्स करके मैं लगाऊंगी। अच्छा, एक और चीज़ आपसे शेयर करनी थी मैंने, क्योंकि आजकल मेरे फेस पे ऑयल बहुत ज्यादा है और जैसे ऑयल ज्यादा है वैसे ही उनके साथ ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स और पिंपल। तो मैं आजकल यूज कर रही हूँ ये रिवाजियो के का पील ऑफ मास्क, ये चारकोल में, ये बहुत जबरदस्त है मेरी स्किन पे, तो उसने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं इसका जो तरीका था वो ये था कि यूज करने का, मैंने पहले क्लींजिंग की, क्लींजिंग करने के बाद उसके स्किन के लिए ना उसको गर्म किया, पानी को गर्म करके सूती कपड़ा लेके ना, टॉवल नहीं यूज किया मैंने, सूती दुपट्टा यूज किया, सूती कपड़ा डिप करके ऐसे 10-10 सेकंड के लिए तीन बार मैंने चेहरे को स्टीम दी। स्टीम देने के बाद जब मेरे ब्लैकहेड्स सॉफ्ट हो गए तो ये जो ब्लैकहेड्स पिन होती है ना, इसके साथ मैंने सारे ब्लैकहेड्स फेस के रिमूव कर दिए। फेस के ब्लैकहेड्स रिमूव करने के बाद थोड़ा सा चेहरे को रेस्ट देना है रोज वाटर के साथ, थोड़ी देर छोड़ देना है। जब रोज वाटर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद ये लगाना है। इसको लगा के जब ये मुकम्मल ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर आप इसको पील ऑफ कीजिएगा, सारे चेहरे के जो ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स है ना जबरदस्त हो जाएगी स्किन, इतनी नीट और क्लीन। अच्छा, उसके बाद जब ये करेंगे ना तो हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे। पोर्स के लिए मैं बर्फ भी यूज करती हूं और वो मुझे बहुत अच्छा फायदा देती है। पर मैंने कल ट्राई किया एक एग व्हाइट और साथ में लेमन, इनको मिक्स किया और चेहरे पे मास्क लगाया इसका और टिश्यू पेपर के साथ उसको सिक्योर करने के लिए टिश्यू पेपर लगा के मजीद उसके ऊपर लगा वो लगा लिखा लगाया ना, तो वो एक मुकम्मल लेयर बन गई। लेयर के बाद जब मैंने वो रिमूव किया तो वाकई रियली यार वो तो बहुत अच्छा रिजल्ट, स्किन इतनी जबरदस्त हो गई मेरी। तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्रेग्रेंस यूज करती है, मैं पहले चेक कर लूँ ये फ्रेग्रेंस मेरी है कि मेरे मियाँ जी की है, क्योंकि हमारी बास्केट साथ साथ रखी है और जो हमारी हेल्पर है ना वो यहाँ की चीज़ें यहाँ और यहाँ की चीज़ें यहाँ शिफ्ट कर देती हैं। और मेरे ख्याल से ये जो फ्रेग्रेंस है ये है भी मेरे मियाँ जी की। चलिए कोई नहीं, मैं यही इसी से गुजारा कर लेती हूँ और यही लगा लेती हूँ। तो ये जो पीछे चेयर आपको दिख रही है आपके घर में भी यकीनन ऐसी चेयर होगी जिसपे कोई ना कोई कपड़े जरूर होंगे। मैंने ऐसे में कॉलम पढ़ा था कि वॉशरूम में कपड़े नहीं ठहराने चाहिए, तो बस फिर ये चेयर पे यहाँ पे डेरा डल गया। यहाँ पे मैं कपड़े ठहराती हूँ, नाइट ड्रेस या जो ऑफिस के ड्रेस मेरे हस्बैंड चेंज करते हैं वो यहाँ पे ठहराती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि ओवर द डोर एक लूंगी यहाँ पे हुक लगाने के लिए, उस पे दराज से लूंगी। बस टाइम ही नहीं मिलता कि फुर्सत में बैठ के वहाँ पे सर्च करूँ और चेक करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट मेरा यही होगा। हाँ, एक आपसे और बात भी शेयर करनी थी कि हम ना ट्रिप पे जा रहे हैं, हमारा फैमिली ट्रिप है, तो इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगे हैं। ओके गाइस, चलिए अब हम इस बर्थडे की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वहाँ पे बालून की सेटिंग करूँगी, ये सबसे ऊपर यहाँ इस साइड पे, इस जगह को डेकोरेट करेंगे और साथ में मेरे बच्चे भी शामिल हैं इस तैयारी में। चले देखते हैं कि ये तैयारी अब हम कैसे करते हैं। लुक एट दिस गाइस, अब हमने बर्थडे भी लिख लिया और बालून भी सारे फुला लिया, अब रह गई हमारी कुकिंग। चले अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम ट्रिप पे जाएंगे, इंशाल्लाह फैमिली टूर होगा। तो बस आज बर्थडे हो रही है और कल से फिर रवानगी है हमारी। तो आज मैं मार्केट भी गई थी और इसके अलावा मैंने बच्चों की पैकिंग भी करनी है, साथ में बर्थडे भी सेलिब्रेट करनी थी। अच्छा, ऐसा होता है कि जब भी मेरे इस बेटे की बर्थडे होती है ना तो कोई ना कोई हमें काम होता है और ये बर्थडे जो है ना हमें ऐसी उजलत में जल्दी जल्दी सेलिब्रेट करनी पड़ती है कि बस हम केक ही कट कर लेते हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि नहीं, मैं सेटिंग करूंगी और दो तीन डिशेस बनाऊंगी, पर इस बार भी ऐसा ही हुआ।
रहा था, मैं तैयारी नहीं कर पाई, फिर भी दिन अल्लाह का शुक्र है। खैर से अल्लाह पाक की ज़िंदगी में बरकत दे और लंबी ज़िंदगी हो, कामयाबियाँ नसीब हो। बस बच्चों की खुशी होती है। अच्छा जी, तो यहाँ सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी ऑयल में। ऑयल में प्याज डाल के उसके बाद गरम मसाला ऐड करूँगी और इन दोनों को ना फ्राई करूँगी। जब मसाले की खुशबू आने लगेगी ना, फिर इसमें लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों को पेस्ट बना के वो डालूँगी। चलो जी, ये सारी चीज़ें डाल के ना इनको फ्राई करके फिर मिलते हैं। सॉरी डियर्स, मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं बना क्या रही हूँ। मैं असल में बना रही हूँ राइस। आज दिन में मैंने बनाई थी मटन कढ़ाई और अम्मा भी हमारे घर रही हुई हैं। अम्मा मीन्स बच्चों की दादो। तो दिन में कढ़ाई बनाई थी और अब जस्ट मैं राइस बना रही हूँ। तो ये भी मैंने गर्म मसाला डाला, अब मैं इसको फ्राई करके ना थोड़ा सा फिर प्याज डालती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं ये चॉपर निकाल रही हूँ और चॉपर में ना ये सारी मटेरियल जो है ना, अदरक लहसुन और ग्रीन चिली जो है, अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च, इनको ना पेस्ट बनाऊंगी मैं। इनका पेस्ट बना के ना फिर मैं डालूंगी चिकन में। यहाँ पे चिकन की भुनाई हो रही है। अब चिकन को फ्राई अच्छी तरह से कर लूँगी, भून लूँगी मैं यहाँ पे। और ये जो टमाटर है ना, इनको अच्छी तरह से इनको मैश कर लेना है, इनका कचूमर बना लेना है। जैसे कहते हैं ना कचूमर बनाना, वैसे ही करना है। अच्छा, तो यहाँ पे चाय बन रही है और चाय पीनी है किसी ने? वैसे ये चाय मेरी नहीं है, ये चाय है जी मेरे मियाँ जी की। रात के टाइम उन्हीं की फरमाइश होती है, तो रात के टाइम मैं तो चाय नहीं पीती। डिस्पोजेबल प्लेट्स निकाली हैं क्योंकि मैं चाह रही थी कि मुझे बर्तन वॉश ना करने पड़े। तो बस मुझे आइडिया आया कि मेरे पास डिस्पोजेबल प्लेट्स रखी हैं, तो जब चेक किया तो वो वाकई में मेरे पास रखी थी। चलो, मैंने कहा ये अच्छा हो गया है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday. तो यहाँ पे हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। और इस दफ़ा हमने सफ़र जो स्टार्ट किया था ना, वो किया था मगरिब के टाइम से, क्योंकि मैंने इस दफ़ा प्लान बनाया, अपने हस्बैंड को आइडिया दिया कि हम ना रात का सफ़र करते हैं, क्योंकि एक रात के सफ़र में दो बेनिफिट्स हैं, एक तो गर्मी नहीं होगी और दूसरा रश कम होगा। और था भी मोटरवे का सफ़र, तो मोटरवे का सफ़र वैसे ही ईजी होता है, तो रात के टाइम मगरिब के बाद ही रवाना हुए थे। और अपनी पैकिंग की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। मेरा इरादा था कि मैं पैकिंग की जो वीडियो है ना, वो आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि बच्चों वाली जो माएँ होती हैं ना,
उनको क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैकिंग करने के लिए, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है ओवरऑल। तो बस हम यहाँ पे रवाना हो गए और यहाँ पे थोड़ा सा एक घंटे का फासला है, वहाँ पे हमने स्टे किया और हमने वहाँ पे रात का डिनर किया था। ओके डियर्स, यहाँ पे अब वीडियो को हम एंड करते हैं क्योंकि वीडियो का टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा होता जा रहा है और ये सब मैंने थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ना ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। इंशाल्लाह डिटेल से फिर व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी मैं अपने वेकेशंस का।